है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंचन्स क्रिएटिव्स वर्ल्ड। तो आज है 31 मई। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, कितना बज रहा है, सुबह के 10 बजने वाले हैं। अभी 10 बजा नहीं है, 10 बजने वाले हैं। तो थोड़ी देर पहले हम जस्ट उठे और चाय वाय हुआ, और अभी 1 वीक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। वो सर्दी ज़ुकाम वगैरह हो गया था तो चैनल पे वीडियो नहीं जा पा रहा था, और पीछे आप लोग पैकिंग देख रहे हैं। अभी सडनली प्लान हुआ जाने का, तो कल रात को ही थोड़ा बहुत हो गया था शॉपिंग और पैकिंग दोनों। तो मैंने कल ब्लॉग वीडियो वगैरह नहीं लिया क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, और आज दवा मैंने ले लिया है। तो अभी पैकिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, और बस हम और सिद्धार्थ जा रहे हैं। और हम लोग का फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रैवल है अकेले बिना घर वालों के साथ, तो देखते हैं क्या होता है आगे। वीडियो में बस बने रहें। ये कुछ पैकिंग है जो मैंने कर लिया था, और ये सारा पैकिंग है, और ये सिद्धार्थ का बैग है जो रेडी हो चुका है, और ये मेरा बैग है। अभी तरीके से पैकिंग नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर है, वो सारा अरेंजमेंट करना है। बिकॉज़ क्योंकि हम लोग का सडनली प्लान हुआ तो थोड़ा सामान वगैरह अरेंज करने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग को सुबह अभी दोपहर को 1 बजे निकलना है, 4 बजे का ट्रेन है, और ट्रेन तो है बट मेरा टिकट नहीं है। हम बिना टिकट के जा रहे, सिद्धार्थ का टिकट है, और देखते क्या होता है। बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रैवल होने वाला है कि विदाउट टिकट के मैं जा रही हूँ। वैसे वहाँ पर तो बात होके बन ही जाएगा टिकट, तो देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होने वाला है। पैकिंग तैयारी के साथ बस हम रेडी है, और वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में यूँ ही, और आगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाला है बनके, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज़, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अभी देखते हैं क्या क्या होता है आगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है पैकिंग करना, और आगे वीडियो में बहुत सारा मज़ा आने वाला है। मैं सारा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में यूँ ही बने रहें। और मैं आगे स्टेशन पर जाके बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, ठीक है? अभी मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी। तो गाइस, अभी तक मैंने नहाया नहीं है, ब्रश भी नहीं किया, तो नहाने और ब्रश करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और मेरा थोड़ा एनर्जी लो लग रहा है, बट मैंने एनर्जी बूस्टर ले लिया है, दवा वगैरह खा लिया है। तो अभी तक मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया, नहाने और ब्रश करने के बाद आप लोग से मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय। हे एवरीवन, तो मैंने शावर ले लिया है, और अभी बज रहा है 11। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब बस जाने की तैयारी हो रही है। और आप लोग वीडियो में यूँ ही बने रहें, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग बस 2 जन हैं, हम और सिद्धार्थ, हम लोग दोनों जन जा रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है विदाउट टिकट, क्या होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में यूँ ही बने रहें, और मैं आगे का सारा अपडेट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहें। और धूप देख सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है। मैं अपने विंडो के पास बैठे थे, घर की खिड़की के पास, बहुत ज़्यादा धूप है। और मम्मी बस ट्रेन का खाना के लिए प्रिपरेशन चालू है कि हम लोग ट्रेन में क्या खाने वाले हैं। वैसे तो बाहर कुछ खा नहीं सकते ना, क्योंकि तबीयत भी बहुत ख़राब है, तो घर सब कुछ बोल रहा है कि घर का ही खाना ले जाना होगा। और बस 2 लोग गए, तो हम लोग सोचे क्या ले जाएंगे, हम लोग बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो मम्मी बोली नहीं कि घर का ही खाना खाओ, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, और ट्रैवल में तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता ना, अगर तबीयत ख़राब हो गया घर पे, साथ में भी कोई नहीं है, और हम और सिद्धार्थ ही हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, मैं सारा अपडेट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं रेडी, थोड़ी देर में हम लोग रेडी हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी बस चाय वाय पी रहे थे, तो बस देखते हैं अब क्या होता है। और ब्रेकफास्ट वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, तो अभी थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे, चावल दाल, बिकॉज चावल दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम वेज ही हैं, वेज खाना है, वेज ही खाते हैं, वेजिटेरियन है तो हम वेज ही खाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल दाल। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप लोग किसको किसको चावल दाल पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा चावल दाल पसंद है, मुझे बहुत खुशी मिल रहा है चावल दाल खा के। और आलू फ्राई जो सब्ज़ी होता है ना, वो मुझे बहुत मज़ा आता है खा के, तो मम्मी ने वही बनाया है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है। और सिद्धार्थ का यहाँ पे देखिए डांस क्या चल रहा है, बस हम लोग जाने के लिए रेडी है, हम लोग बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी जा रहे हैं फ़ोन को थोड़ा चार्ज में लगा देने के लिए, बिकॉज चार्ज बहुत कम है फ़ोन, आप फ़ोन अगर बंद हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग के साथ कैसे वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन को अब चार्ज में लगा दिया जाए, तो चलिए फ़ोन को फटाफट चार्ज में लगा लेते हैं, और चार्जर वगैरह भी पैक कर लेते हैं, कहीं चार्जर वगैरह छूट गया
तो फिर मैं आप लोगों को कैसे अपडेट दूंगी, इसीलिए फ़ोन को पहले चार्ज में लगा लेते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइज रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और मम्मी मिस करोगे हम लोग को? मम्मी बहुत मिस करेगी हम लोग को। हम लोग निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है, सिद्धार्थ निकल गया है और दीदी जा रही है हम लोग को छोड़ने। तो चलिए मिलते हैं स्टेशन में। देखिए सिद्धार्थ एकदम निकल चुका है सामान वामान, और हम लोगों ने मिठाई भी कैरी किया है, कोलकाता का मिठाई। हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। ये देखिए मेरा ट्रेन, हम लोग का ट्रेन जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए सिद्धार्थ को और दीदी आई है हम लोग को छोड़ने के लिए। तो हे गाइस, वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बिहार और अपने बुआ के घर मोतिहारी। तो मैं सारा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं सारा वीडियो छोटा छोटा क्लिप मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। मैंने स्टेशन पे मैंने वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था और म्यूज़िक भी था, तो शायद कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने वीडियो वहाँ पे ऑन नहीं किया।
एवरीवन, हम लोग अब पहुँच गए हैं स्टेशन और अब हम लोग को हाफ एन आवर लगेगा घर जाते जाते।